हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे का मजेदार नाश्ता, जो कि है आटे की खापरोली। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। यहाँ पर हमने एक कप गेहूं का आटा, एक कप गुड़ ले लिया है और इसके साथ ही हमने लिए हैं थोड़े से मेथी दाने, थोड़ी सी सौंफ और ये हमने इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इसके बदले 2 से 3 इलायची ले लीजिए और मेथी दाना और सौंफ के साथ मिलाकर इसे बारीक पाउडर बना लीजिए। तो चलिए खापरोली बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में हमने यहाँ पर एक बड़ा कप यानी कि 3/4 ग्लास पानी डाल दिया है। इसमें हम ये गुड़ डाल देंगे और इसकी चाशनी बना लेंगे। ये देखिए गुड़ यहाँ पे पिघल गया है। अब हमने इसमें इलायची पाउडर और सौंफ और मेथी पाउडर मिला दिया है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी और वैसे भी मेथी दाना हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। न्यू मदर्स के लिए ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़ जो है ये अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, चाशनी बन गई है। फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा कर लेंगे। हमने इसे ठंडा कर लिया है, छान कर एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें आटा डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा आटा भी मिक्स कर सकते हैं। एक विस्कर की हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे आटे को चाशनी में बहुत अच्छी तरह से। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। पेशेंस के साथ आपको इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्लेम पर हमने एक पैन रख दिया है। पैन को घी से ग्रीस कर लेंगे। एक स्पून की मदद से हम बैटर इस पर स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से कितनी अच्छी तरह से बैटर स्प्रेड हो गया है आप देख सकते हैं। जैसे इस पर ऐसे बबल्स दिखने लगे, आप इसे एक स्पैटुला की हेल्प से इस तरह से पलटा दें। बहुत ही इजीली पलट गया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स दोनों तरफ से। जब ये अच्छी तरह से पक जाए हम इसे निकाल लेंगे। चलिए एक और बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसे स्प्रेड करने के बाद हम थोड़ा सा घी ऊपर की साइड पर डालेंगे, बहुत ही कम। जैसे ही इस पर बबल्स दिखने लगेंगे हम इसे पलटा देंगे स्पून से। ये देखिए कितनी आसानी से पलट जाता है, ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सिक गया है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से दोनों साइड से पक गया है। एक बार हम इसे इस तरह से पलटा लेंगे, इसे निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म चाय के साथ हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी परफेक्ट खापरोली बनी है। तो आप भी जरूर बनाइए आटे का ऐसा मजेदार नाश्ता, हेल्दी और टेस्टी भी। हमें कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए।